पलवल पुलिस ने पकड़ा 1.5 करोड़ रुपए का गांजा। पलवल जिले के पुलिस अधीक्षक मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले आरोपियों की प्रॉपर्टी करेंगे जब्त। इस बारे में पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि होटल की अपराध शाखा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 1.5 करोड़ रुपए की कीमत का 6 क्विंटल 61 किलो 450 ग्राम गांजा पकड़ा है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी इस गांजे को विशाखापट्टनम से कैंटर में भरकर बिक्री के लिए ताबड़ू सोना लेकर आ रहे थे। पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल ने बताया कि आरोपियों ने गांजे की लोहे के स्क्रैप में छिपाकर ला रहे थे, लेकिन पलवल और होटल के अपराध शाखा पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपियों के अरमानों पर पानी फेर दिया और गांजे सहित दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आरोपियों को 10 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा और जो भी मामले में लिप्त आरोपी हैं उनके प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि होटल सीआईए पुलिस के इंचार्ज शमशेर सिंह और पलवल की सीआईए टीम के इंचार्ज ने संयुक्त टीम गठित करके नेशनल हाईवे 19 पर डबचिक मोड़ के समीप एक कैंटर को रुकवाया। जब उसकी तलाशी ली तो उसके अंदर से 1.5 करोड़ रुपए का गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है और पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ऊपर देखो पीछे हो, बंद कर भैया 2 मिनट रुक जा सामने। चल भाई रुक जा भाई साहब 2 मिनट। मेरे तार के लाने में साहब मैं बॉक्स लगाऊंगा अब रख बात। ऊपर देखो भाई पीछे हो एक इधर आओ दोनों आगे एक बार पीछे ले लेंगे। तो कल हमारे सीआईए होटल के साथ मिलकर हमारे सीआईए पलवल ने एक भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है, जिसमें एक कंटेनर था जिसमें कुछ और सामान भी भरा हुआ था। 2 लोगों को उसमें अरेस्ट किया है, जिसका एक का नाम जमशेद है, एक का अरबाज है। तो दोनों को राउंडअप किया है, जिनके कब्जा से 661 किलो 450 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसमें 19 बोरे हैं। और आज उनका नियमानुसार पुलिस रिमांड लेके आगे की तफ्तीश की जाएगी। तो सर कहाँ से लाया जा रहा था? कहाँ के? विशाखापट्टनम उड़ीसा से आया था और वहाँ पे ये लोग साथ में जो होटल्स होते हैं वहाँ पे लोग कंटेक्ट करते हैं, वहाँ से इनका वहाँ पे लोड करके देते हैं। और ये माल जो है ना साकिर है, बनावट का रहने वाला है, तावड़ू में।
ये उसके लिए माल लेके आए। तो सर पहले भी इस तरह के काफ़ी गांजा बरामद किया है इसलिए पुलिस ने, सर जो जहां से आता है सर वहां भी कोई कार्रवाई की जाएगी? जिस नहीं, जो पीछे हमारी सीआईए अवडल ने जो पीछे पकड़ा था वहां हम सोर्स तक गए हैं और वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उनको भी जल्दी राउंड अप करेंगे और जल्दी उनको अरेस्ट करेंगे। हमने उनके वारंट भी लिए हैं और उनको भी हमने आइडेंटिफाई किया है और इनको भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। सर कितनी मतलब पैसे आके जा रहे हैं इसके, कितने की लागत का हुआ है सर ये माल? देखो ये जो हमने कल 661 किलो 450 ग्राम जो गांजा बरामद किया है इसकी कीमत कम से कम भी मार्केट में 1.5 करोड़ के करीब है। तो सर हर बार ये मामले आ रहे हैं सर, मतलब ये किस तरह से अब जो नशाखोरी है किस तरह से बढ़ती जा रही है, जो लगातार आपकी पुलिस कार्रवाई कर रही है, लगातार पकड़ रही है, उसके बाद भी जो नशा तस्कर हैं सर इसको बेचने वाले सर, जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो यहाँ पर बांटते हैं सर, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए पीछे भी जो हमने ये सीआईए टीम ने जो पीछे पकड़ा था हमारा 15 क्विंटल के करीब, उसमें भी हमने जो लोकल जो सप्लायर थे उनके ऊपर भी कार्रवाई की है और हमने उनको आइडेंटिफाई किया भी आगे कहाँ कहाँ सप्लाई होना था और सारी नियम अनुसार उनकी हम कार्रवाई करें, उनके प्रॉपर्टी भी हम अटैच करवाएंगे जो इलीगल उन्होंने अर्निंग की है नार्कोटिक्स बिजनेस में, काले धंधे में, उनकी प्रॉपर्टी को भी हम जब्त करवाएंगे। तो सर इसके पीछे जो दो आरोपी आपने गिरफ्तार किए और भी कोई आरोपी हैं? इसके आरोपी हैं जिसने ये मंगवाया था, ये ड्राइवर कंडक्टर हैं जो इसके जिसके लिए ये माल लेके आए थे, साकिर है जो काउंटर में गुनावट गांव का रहने वाला है, उसका नाम सामने आया है अभी और बाकी अभी तफ्तीश जारी है और इसके कई खुलासे होंगे भाई कैसे कैसे इनका क्या तरीका वारदात था सारा, हम अब इसका 10 दिन का पुलिस रिमांड लेंगे उसके बाद आगे तफ्तीश करेंगे। तो सर बताया जा रहा है स्क्रैप के अंदर इसको छुपाया हुआ था? हाँ ये इनका तरीका वारदात था, आपने जैसे पीछे देखा था सीआईए होटल ने हमारा ये 14.5 क्विंटल के करीब गांजा बरामद किया था, उसमें जो हरे नारियल होते हैं उसके बीच में छुपा के रखा था, इसको भी ऐसे बीच में और सामान के बीच में छुपा के रखा था, तो हमने अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पर डबचिक चौक जो आपका है इस पर हमने कल इसको मॉर्निंग में काबू किया था और उसका आज नियमानुसार कार्रवाई करेंगे और इसको पुलिस रिमांड किया।